हेलो फ्रेंड्स, मम्मी की टेस्टी रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरी चटनी की रेसिपी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चटपटी हरी चटनी बनाने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। इसके लिए मैंने 100 ग्राम हरा धनिया, 4 टेबलस्पून दही, 3 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है, और हमें आधा नींबू का रस चाहिए। 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, आधा छोटे चम्मच काला नमक, आधा छोटे चम्मच जीरा और थोड़ी सी हींग। हरी चटनी बनाने के लिए हमें एक ग्राइंडिंग जार चाहिए। इसमें हम अपना हरा धनिया डालेंगे, अदरक, हरी मिर्च को हम छोटा छोटा करके इसमें डाल देंगे। आधा नींबू का रस, फोर टेबलस्पून ऑफ दही, हाफ टेबलस्पून ऑफ जीरा, 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट, हाफ टेबलस्पून ऑफ काला नमक। फ्रेंड्स, काला नमक हमारी चटनी को बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। हींग, अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। फ्रेंड्स, एक बार चेक कर लेते हैं। अभी इसे हमें थोड़ा और चलाना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है। हम इसे पकोड़ा, समोसा, पराठे, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। सैंडविच पर लगाकर खाइए। चलिए इसे सर्व करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।